ये रईस शेख साहब से पूछिए टोरेंट को भगाएंगे तो क्यों नहीं भगा रहे, वो तो ऑडिट कराने की भी बात किए थे, टोरेंट की ऑडिट कराएंगे, तो वो उनका जुमला है तो उनसे सवाल कीजिए, हमने कभी ये नहीं कहा टोरेंट भगाएंगे। और फिर अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ के आमदार चुन के आते हैं तो अगर इतने भिवंडी की प्रॉब्लम्स है तो कैसे, ये कोई ना कहीं कुछ कमियाँ हैं, कोई ना कोई गॉड फादर भिवंडी के अंदर होना चाहिए था कोई भी पार्टी का, तो वो कोई अच्छा लीडर मिला नहीं। अगर पावर लूम बंद हो गया काफ़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, काफ़ी जो लूम मालिक है वो बर्बाद हो जाएंगे, तो इसे सब्सिडी जो अब दी जा रही थी वो सब्सिडी दी जाए। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रई शेख का कहना है कि जो 100 एमएलए पानी है तो उसका 8 बार टेंडर निकल चुका, टेंडर कॉल हुआ लेकिन उसका टेंडर भरा नहीं गया या कोई ठेकेदार उसको लेने के लिए तैयार नहीं और इसलिए वो बार बार रिजेक्ट होता गया, तो अभी क्या चांसेस है कि अभी आगे भी जो आप लोग उसका प्रस्ताव लाएंगे तो वो टेंडर कॉल होकर जो है उसका काम कम्प्लीट हो जाएगा? कम से कम यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, ना एक अच्छा हॉस्पिटल है, ना एक अच्छा कॉलेज है, कुछ ना कुछ इस शहर के लिए आप लोग सोचिए। IGM हॉस्पिटल के बारे में भी हमारी चर्चा हुई और वहाँ पे आवाज़ साहब ने कहा कि भाई राजेश टोपे जी से नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में राजेश टोपे जी आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सेलफोन्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है भूमि वर्ल्ड, वन स्टॉप मोबाइल सॉल्यूशन, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के सेलफोन्स, वो भी बेहतरीन कीमतों पर। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ मोबाइल फोन्स विद कस्टमाइज सर्विस ओनली एट भूमि वर्ल्ड, नाउ एट धामनकर प्लाजा बिलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, धामनकर नागा भिवंडी, अनदर ब्रांचेस एट अंजुर फाटा, बागे फिदौस एंड शिवाजी चौक। आज हम हमारे माननीय मंत्री श्री जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की और भिवंडी शहर के ताल्लुक से काफ़ी चर्चा हुई। जो हमारा पहला विषय था, जो 27 हॉर्स पावर के ऊपर जिस पर सब्सिडी हटा दी गई है, उसके लिए आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मतलब खाली भिवंडी में ही नहीं, मालेगांव, इचलकरंजी, धुलिया, जहाँ जहाँ पावर लूम है वहाँ लोग सब परेशान हैं। जिनकी बिल 37,000-38,000 रुपये आती थी, आज 1,00,000 रुपया बिल आ रही है। तो हम लोगों ने अजीत दादा पवार साहब से बताया कि साहब भिवंडी शहर जो है मिनी इंडिया कहा जाता है, हर स्टेट से लोग आके बसे हुए हैं, लोग रोजी रोटी की तलाश में वहाँ पे आए हुए हैं। भिवंडी शहर जो है मैनचेस्टर कहा जाता है पावर लूम के ताल्लुक से। आज भिवंडी शहर से पावर लूम भंगार के भाव बिकता चला जा रहा है, क्योंकि आज 6-7 साल से जो मंदी है उसके अंदर पावर लूम नगरी उखड़ती चली जा रही है। तो अभी ये सब्सिडी हटा देने से इसी में आज व्यूअर को, लूम मालिक को नहीं परवड़ रहा है, तो आगे आने जो ये सब्सिडी हटा देंगे तो लोगों को कहाँ से परवड़ेगा। तो वो सब देखते हुए अगर पावर लूम बंद हो गया काफ़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, काफ़ी जो लूम मालिक है वो बर्बाद हो जाएंगे, तो इसे सब्सिडी जो अब दी जा रही थी वो सब्सिडी दी जाए। तो अजीत दादा पवार साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ मेरे पास पूरे महाराष्ट्र के हर कोने से लोग यहाँ पे आए थे इस ताल्लुक को लेके, और इस मामले में हम लोग विचार कर रहे हैं और जो भी हमारी कैबिनेट बैठेगी उसके अंदर ये बात रख के हम बहुत जल्द से जल्द इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। और मैंने एक चीज़ और कहा कि साहब टोरेंट पावर में एक आप फ़ोन करके बोल दीजिए कि कम से कम यहाँ पे जो वसूली कर रहे हैं, सब्सिडी हटाने के बाद बिल ज़्यादा आ गई, जो पहले की जो सब्सिडी देने के बाद बिल नहीं भर पा रहे थे तो ये बिल कहाँ से भर पाएंगे। तो कम से कम टोरेंट पावर को ये बोला जाए कि जो सब्सिडी का अमाउंट आता था वो अभी वसूली करे, और जो पैसा है जब तक फैसला गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता तब तक के उनको राहत दी जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांगनी है। तो उन्होंने कहा कि एक लेटर आप टोरेंट पावर में भी जाके दीजिए, कल हम लोग एक लेटर टोरेंट पावर में देंगे कि आप जो पैसा जो है पहले की जो बिल जो हिसाब से आए थे वो हिसाब से आप वसूली कीजिए जब तक कि गवर्नमेंट का फैसला नहीं आता। एक विषय ये था शोएब भाई, वो सब्सिडी का जो आश्वासन उन्होंने दिया है तो उसमें क्या आश्वासन दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट है या प्रोसेस है जो रजिस्ट्रेशन का, वो लोग हटाने वो हटाएंगे या उसको आसान करेंगे, क्या आश्वासन दिया है उसके अंदर? उनका कहना ऐसा था कि हम हर जो भी पावर लूम की संस्था है
उस संस्थाओं से हम ईश्वर करंजी से, मालेगांव से, भिवंडी से सब लोगों की हमने राय मशवरा ले ली है। उसमें हम लोग जो भी पावर लूम के मंत्री है, ऊर्जा अपना नितिन राउत साहब हैं, और भी जो कैबिनेट में बैठ के एक बात रखी जाए, इसमें क्या मामला हल हो सकता है, इसमें कितने जो उसके अंदर हैं फॉर्म के अंदर, जितने कम से कम हो सके क्वेश्चन उतना कोशिश करेंगे। तो अगर सब्सिडी वापस हो जाती है तो ये जो बिल बढ़ के आए तो क्या ये भी रिवर्स हो जाएंगे? ऐसी बात, जब सब्सिडी कारण दी जाएगी तो एक दो महीना दो महीना जो लग के आया है वो ऑटोमेटिक माइनस होकर आ जाएगी। दूसरा विषय जो हम लोग गए थे, एक तो विषय ये हो गया, दूसरा विषय ये है कि जो 100 MLD पानी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे, तो 2016 के अंदर 100 MLD पानी पास हुआ था, उसके बाद ऐसे ही रह गया था मामला। तो वापस से हम लोगों ने जितेंद्र आवार साहब से बोल के, अजीत दादा पवार साहब से बोल के, डेढ़ महीना पहले 100 MLD पानी मतलब वापस से पास हुआ है। लेकिन अब उसके अंदर जो पाइपलाइन लाना है बादशाह डैम से लेके पोगाँव तक, तो उसके अंदर 350 करोड़ रुपये का कम से कम खर्चा है। तो हमने साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो जल्द से जल्द वो पैसा दिया जाए ताकि वो पाइपलाइन डाला जाए, क्योंकि पाइपलाइन डालने में कम से कम कंप्लीट होने में 1 साल लगभग चला जाएगा। तो अजीत पवार साहब ने कहा नहीं, ये पानी का विषय अपने पास किया है, इस मामले को हम MJP वाले से भी बात करके इसमें क्या अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 70% गवर्नमेंट को पैसा भरना है और 30% महानगर पालिका को पैसा भरना है। तो उसके लिए अजीत पवार साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह वो भी जो है मामला बहुत जल्द से जल्द हल हो जाएगा। ये 3.5 करोड़ का फंड की बात भी चल रही है, मतलब कि भिवंडी शहर को एक पैकेज दिया जाए, पैकेज को लेकर अभी आपने मंत्री महोदय के सामने ये बात रखी? नहीं नहीं, इसमें 3.5 करोड़ का पैकेज का नहीं है मामला, इसके अंदर 350 करोड़ तो ये पानी के लिए हम लोगों को दी जा रही है। एक तो पानी का विषय का मामला इंशाल्लाह क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वो दे सकते हैं, वो देंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है और ये होएगा, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब जो कहते हैं वो करते हैं। तीसरा, भिवंडी महानगर पालिका की जो खस्ता हालत है, हमने उनको बताया कि आज कोई फंड नहीं है, उनसे हमसे पूछा कि बजट कितना था, हमने बताया 700-750 करोड़ का बजट है लेकिन ऑन पेपर है, और उन्होंने भी हमसे सवाल किया, वसूली किया है घरपट्टी, और उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि भाई घरपट्टी आज हालात भिवंडी शहर का ऐसे है, वसूली नहीं हो पा रही है, 20-25% वसूली आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक सिस्टम निकाला है पूरे महाराष्ट्र के लिए, जहाँ जहाँ घरपट्टी वसूली नहीं हो रही है वहाँ कड़क वसूली होना चाहिए, ताकि उस वसूली से शहर का विकास करने में आसानी होगी। गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, गवर्नमेंट की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फंड नहीं दे पा रही है। तो और हमने इनाम भी रखा है कि जो सबसे अच्छी घरपट्टी वसूली करेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा पैकेज दिया जाएगा, मतलब एक अच्छा पैकेज शहर के विकास के लिए दिया जाएगा। तो हमने कहा भाई वो तो हमारी तो वसूली होना मुश्किल है, लेकिन अभी फ़िलहाल शहर के हालात जो है, रोड नहीं बराबर है, और उसके बाद फिर अपना गटर नाली ब्लॉक ऐसे बहुत से मूलभूत की मतलब बहुत तकलीफ है, और नगर सेवक लोगों को पूरे 5 साल के अंदर 10 लाख की खाली निधि मिली है, तो क्या काम होगा, कैसे काम करेंगे? तो अजीत पवार साहब ने कहा ठीक है कि मैं कुछ ना कुछ उसके लिए भी पैकेज के लिए भी कुछ ना कुछ मैं शहर के लिए करता हूँ, इंशाल्लाह एक पैकेज भिवंडी शहर के लिए वो देंगे वार्डों के अंदर काम करने के लिए। जिस तरह देखा जाए वहाँ 4 महीने ही बचे हैं चुनाव की, इस तरह की जानकारी जो मिल रही है, 4 महीने के भीतर आप शहर के, जिस मंत्री मोदी के सामने आपने बहुत सी विकास की मांगे की है कि विकास के फंड आना चाहिए, 100 MLD पानी है, फिर गर्भवती हो गया, माता का हो गया, तो क्या 4 महीने के भीतर ये सब हो जाएगी काम, क्या लगता हो जाएगा या फिर खाली चुनावी जुमला ही? देखिए जो फंड आने वाला है तो आ जाएगा, और ये 27 SP वाला मामला, ये 10-15 जो भी इस्टे मिलने का चांसेस है इंशाल्लाह मिल जाएगा। सबसे बड़ा रोल अजीत दादा पवार साहब का ही रहेगा कि सब्सिडी का पैसा भी अगर बर्दाश्त जो करना रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर के उसमें आता है, ये हो जाएगा। राज्यसभा 100 MLD पानी का तो पास हो गया है, अब ये हम लोग हमारी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले 350 करोड़ रुपया जो पाइपलाइन के लिए वो पास हो जावे, तो उसके लिए कम से कम कंप्लीट होने में 1 साल जाएगा। तो काम अभी से हम शुरुआत कर, बुनियादी काम करने में, बड़ा काम करने में टाइम तो लगता है, लेकिन काम इंशाल्लाह होएगा। सर, पर भिवंडी ईस्ट के MLA रईशेख का कहना है कि जो 100 MLD पानी है तो उसका 8 बार टेंडर निकल चुका, टेंडर कॉल हुआ लेकिन उसका टेंडर भरा नहीं गया, या कोई ठेकेदार उसको लेने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए वो बार बार रिजेक्ट होता गया,
तो अभी क्या चांसेस है कि अभी आगे भी जो आप लोग उसका प्रस्ताव लाएंगे तो वो टेंडर कॉल होके जो है उसका काम कम्प्लीट हो जाएगा? इससे पहले जो है रेट का डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, रेट डिफरेंस होने की वजह से काफ़ी लोग टेंडर नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी पैसा गवर्नमेंट दे रही है और जब पैसा आ रहा है और नए भाव से जो भी आज के भाव से रहेगा तो चार्ज रहेगा वो हिसाब से तो कोई ना कोई टेंडर तो ले गई और वो सबका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमने शहर के लिए काफ़ी मुद्दों पे बात की है, क्योंकि हमने ये भी बताया साहब कि ठीक है आज तो नहीं होगा, अभी महानगर पालिका इलेक्शन के बाद कम से कम यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, ना एक अच्छा हॉस्पिटल है, ना एक अच्छा कॉलेज है, कुछ ना कुछ इस शहर के लिए आप लोग सोचिए। IGM हॉस्पिटल के बारे में भी हमारी चर्चा हुई और वहाँ पे आवाज़ साहब ने कहा कि भाई राजेश टोपेजी से नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में राजेश टोपेजी आ रहे हैं, ये फाइनल वहाँ पे फ़ोन लगा के बात की गई। IGM हॉस्पिटल के लिए भी साहब ने कहा कि मेरे से जो कुछ लगेगा मदद मैं वो भी करूँगा। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि काम हो चाहे कहीं से भी हो। तो बल्कि अजीत दादा पवार साहब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ के आमदार चुन के आते हैं तो अगर इतने भिवंडी की प्रॉब्लम्स है तो कैसे, ये कोई ना कहीं कोई कमियां हैं, कोई ना कोई गॉड फादर भिवंडी के अंदर होना चाहिए था कोई भी पार्टी का, तो वो कोई अच्छा लीडर मिला नहीं। अभी हमने साहब को कहा कि साहब ठीक है अभी तो मिला नहीं, अब तो मिल गया अवार्ड साहब, अब अवार्ड साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आप भिवंडी शहर को संभालिए। आप तो भिवंडी शहर के लिए अजीत दादा पवार साहब का इंशाल्लाह अच्छा ध्यान है और अच्छा काम होगा, ये मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ। तो शोएब भाई, क्या सच में एक हफ्ते बाद जो आपके पार्टी के मंत्री है हेल्थ मिनिस्टर वो आएंगे? तो आएंगे सर, पक्का हो गए। MLA रईस शेख जितना दावा करते हैं IGM को लेकर उतना अच्छा IGM है नहीं, बहुत ज्यादा ही खस्ता हालत है भाई। पूरा शहर जानता है IGM हॉस्पिटल की हालत क्या है, मशीनरी आज सब आगे पड़ी हुई है, कोई चालू नहीं है, तो ये सब हालत खराब है। तो ही हम राजेश टोपेजी को लाने की कोशिश करें, मंत्री को लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ पे आवे और दौरा करें, उनको भी समझ में आवे कि वाकई में यहाँ लोग तकलीफ में है और क्या प्रॉब्लम है। और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह उनका दौरा 100% है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और एक चीज़ आपसे हमेशा पूछा जाता है टोरेंट के बारे में, जबकि MLA रईस शेख साहब का जो है चुनावी मुद्दा था, ये चुनावी झुंडा था उनका कि हम टोरेंट को भगाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई ये रईस शेख साहब से पूछिए टोरेंट को भगाएंगे तो क्यों नहीं भगा रहे, वो तो ऑडिट कराने की भी बात किए थे, टोरेंट की ऑडिट कराएंगे, तो वो उनका जुमला है तो उनसे सवाल कीजिए। हमने कभी ये नहीं कहा टोरेंट भगाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका एग्रीमेंट है 2027 तक के और ये BJP गवर्नमेंट में वापस से रिन्यूअल हुआ है, तो 2027 के अंदर जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उस वक्त लड़ाई लड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट रहेगी तब उस वक्त टोरेंट को हटाने की कोशिश करेंगे, कि हमारा ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तब तक उनकी जो दादागिरी मनमानी जो चल रही है और जो गलत वजह केस चल रहा है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा वेजिडेंस का केस लोग जो बना रहे घुस घुस के, आपको 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये लोग कहीं ज़्यादा जाएंगे नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।